और इसमें बैटरी का प्रॉब्लम है, और इसमें आपको दिखाएंगे प्रॉब्लम कैसे है वो दिखाते हैं। जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं, ये देखो नीचे वाला बटन दाबेंगे, ऑन करेंगे, पता करना है आपको अगर बैटरी का तकलीफ़ है कि नहीं, मतलब प्रॉब्लम है कैसे उसे जाने। तो हमने देखो ये चालू किया है, और ये देखो दोस्तों पूरा चालू नहीं होएगा, और ये बैटरी फूक गया है इसका। देखोगे तो ये अभी इसमें कवर लगा है, कवर निकाल देंगे, देख सकते हैं दोस्तों हमने कवर को निकाल के रख दिया है बाजू में। और ये है देखो बैटरी फूकने के वजह से इसका थोड़ा सा फुगा जैसा दिख रहा है। तो दोस्तों अरे हाँ आपको सॉरी, हाँ ये तो बंद गिर गया है, वापस देखो वापस चालू कर रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको आगे। अगर ऐसा दोस्तों बंद गिर जाए मोबाइल तो आप ध्यान देना कि अक्सर बैटरी का प्रॉब्लम रहता है, और अपने आप मोबाइल रिस्टार्ट होता है तो समझ लेने का कि ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देख सकते हैं वापस बंद गिर गया है। तो हम दोस्तों हम नया बैटरी लेकर आए हैं, आपको बैटरी डाल के दिखाएंगे चालू करके उसको, इसका प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करके दिखाएंगे इसका प्रॉब्लम। तो बने रहो दोस्तों वीडियो में अंत तक, और हमारा दोस्तों चैनल को, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो हम आप तक अपलोड करते रहेंगे, आप तक पहुंचते रहेगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों मोबाइल खोलने से पहले देखो ये हमें सिम ट्रे को निकाल लेना रहता है। सिम ट्रे निकालने से क्या है आपका सिम ट्रे ख़राब नहीं होएगा। तो दोस्तों हमने सिम ट्रे को देखो ओपन कर लिया, उसे निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों ध्यान रखना बैटरी फूक जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि आपका डिस्प्ले टूट सकता है। तो दोस्तों और ये बैटरी फूकता क्यों है वो भी आपको हम बता देते हैं। ये जो जैक होता है ना, इसमें मट्टी गया रहता है, थोड़ा बहुत मट्टी बैठा रहेगा, और पानी थोड़ा बहुत लग गया चार्जिंग लगाने के टाइम पे, वो पानी गया रहता है थोड़ा बहुत लगा रहता है चार्जर में लग गया रहता है, मट्टी घुसा रहेगा, पानी वानी जाने से ये सब सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो मट्टी घुसने से क्या होता है, यहाँ पर चार्जिंग जब हम लोग लगाते हैं तो वो कैसा है वहाँ पर हरा हरा हो जाता है पूरा, वो पूरा शॉर्ट करता है। तो चार्जिंग लगाने पे ज़्यादा टाइम तक चार्जिंग लगाने पे ये सारे सब प्रॉब्लम आते हैं कि आपका बैटरी जो है फूक जाता है। तो दोस्तों कभी भी आप ध्यान दें कि आपका 95 से ज़्यादा चार्जिंग होना, ज़्यादा कोशिश करें, फूल भी हो जाता है तो 100 तो उसके बाद निकाल लेने का। दोस्तों ध्यान रखना, आप वीडियो में बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो हम दोस्तों शॉर्टकट में वीडियो को रोक के आपको बैटरी डाल के सीधा दिखाते हैं कि कैसे ये बैटरी मोबाइल चालू होता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा ये बैटरी फूक गया है। तो दोस्तों हमें ये दोनों स्क्रू को निकालना है, तीन स्क्रू है, तीनों ब्लैक में जो दिख रहे हैं, तीनों स्क्रू लगा निकाल के बैटरी को निकाल के नया बैटरी डालना है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों बैटरी को हमने निकाल के साइड में रख दिया है, और जो है नया बैटरी डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा नया बैटरी है। तो दोस्तों हमने बैटरी को डाल दिया है और ये अभी ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं चालू होएगा। अब चालू होएगा तो बंद नहीं गिरना चाहिए। तो दोस्तों हम और आपको दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक तो हों, कि मतलब उनको ये जानकारी हो कि किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि ये प्रॉब्लम होने से क्या मतलब हमें करना है, या कहीं आप जाके कहीं मतलब आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देना पड़े या आपको नॉलेज ना हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो ये अपने इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और चाइना तक हमारा देखा जाता है। हमने देखा है, हमारे मोबाइल में सारा पूरा डेटा दिया गया रहता है, देख सकते हैं दोस्तों आपको सीधा कि ये मोबाइल चालू हो गया। तो दोस्तों हमारा जूना वाला बैटरी देख सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अब वीडियो को हम बंद करेंगे दोस्तों, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए।